हम अपने घरों में काफ़ी सारा सामान इस तरह से स्टोर करते रहते हैं कि हम उन्हें समय आने पे यूज करेंगे, लेकिन जब समय आता तो हम उन्हें निकाल के फेंक देते हैं। सफाई करते समय हमें लगता है ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसे किचन एंड होम टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजी करने वाले हैं, और उसके अलावा जो आपकी वेस्ट पड़ी चीज़ें हैं ना उनका बहुत ही अच्छा वाला यूज बताने वाली हूँ। होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। यदि टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अभी बढ़ते हैं आज के फर्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो कई सारे हमारे घर में इस तरह के बैग, शॉपिंग बैग हम लोग लेके आते हैं जो कि वेस्ट ही पड़े होते हैं। कभी कभी क्या होता है, इन्हें यूज नॉर्मल हम लोग करते रहते कपड़े वगैरह भरने के लिए, लेकिन जब ये फट जाते हैं इस तरह से तब हमारे ये किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये भी काम का है, बहुत ही यूजफुल है। अभी सर्दियों में तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त वाला यूज हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ से फटा है आपको वहीं से काट लेना है। इस तरह से कैंची से जिससे भी आपको लगे उससे आप बिल्कुल सीधा सीधा काट लीजिएगा, और नीचे जो है ना वो एकदम अच्छा वाला है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें बीच में लोड होता है तो बीच से ही फटते हैं। फिलहाल तो बीच से मेरा फटा हुआ तो मैंने काट लिया, और इसके बाद जितना हमने मोड़ा है ना इसी को हम लोग कर देंगे स्टिच, चाहे हाथ से कर दें और चाहे सिलाई मशीन से, जिससे कि उसकी जो लुक है वो एकदम परफेक्ट बन के आएगा। और उसके बाद इस तरह से बहुत सारे हमारे घर में जैकेट्स वगैरह होते हैं जिन्हें रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैकेट रखने में काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं, जिससे कि हमारा जो वार्डरोब है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे जैकेट जो है ना इसमें आ जाएंगे, जो हमारे बड़े बड़े मोटे मोटे वाले जैकेट होते हैं ना वो भी इसमें आराम से आ जाते हैं, और हमारी अलमीरा ऑर्गेनाइज बनी रहेगी। होपफुली टिप्स पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है आज का, इस तरह से हमारे पुराने ब्लाउज को लेके। अक्सर साड़ियाँ जो है ना वो हमारी फट जाती हैं, उसके बाद ब्लाउज जो है वो हमारे पड़े रहते हैं, या फिर हमारे पास नया ब्लाउज है तो ये टिप जो है ना वो आप नए या पुराने किसी भी ब्लाउज के साथ बना सकते हो, क्योंकि ये जो है ना एक बहुत ही यूजफुल है और ये सभी लोगों के काम आने वाला है, चाहे वो मतलब गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हैं। तो आपके पास ब्लाउज आप बोल ले लीजिएगा, और उसके बाद आपको सुई में डालना है धागा, और इस तरह से जो ब्लाउज के नीचे वाला हिस्सा है ना इस पूरे हिस्से को आपको टक कर लेना है। आप चाहें तो सुई और धागे से ऐसे हाथ से भी कर सकती हैं, जिससे कि समय आने पर आप इसे उधेल भी सकें और मतलब काम भी आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको पूरे को अच्छे से कर लेना है, थोड़ी सी मजबूती होनी चाहिए। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हो यदि आपका ब्लाउज पुराना है, क्योंकि यदि पहनोगे दोबारा तो उसे उधेलना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ऐसे ही रखना है। और उसके बाद आपको लेना है एक हैंगर, और हैंगर में लेने के बाद ब्लाउज को आपको इस तरह से फंसा लेना है। और ये हमारी बन चुकी है एक सीक्रेट ऑर्गनाइजर, यानी कि सीक्रेट जो होती है ना चीज़ें जिसमें हमें किसी को बताना नहीं है, छिपा के रखनी है, तो वो चीज़ हमारी बन चुकी है। तो इसमें आप चाहें तो अपनी कोई भी महंगे महंगे जैसे ज्वेलरी वगैरह हैं आप उन्हें भी छिपा के रख सकते हो, ताकि किसी की नज़र ना पड़े, या फिर आप अपने मेकअप प्रोडक्ट छिपाना चाहते हो लोगों से, या फिर हमारी चाबी वगैरह जो हम किसी और को नहीं बताना चाहते सामने रखेंगे तो फिर लोगों को समझ में आ जाएगा। और आप इस तरह से ब्लाउज की एक अलमीरा इस तरह से आप बना सकते हो, ऑर्गेनाइजर सॉरी। और उसके बाद आप साड़ियों के बीच में इस तरह से जैसे साल है साड़ियाँ हैं, आप एक साड़ी रख लीजिए उसके बीच में इस तरह से रख के, और उसके ऊपर दूसरी साड़ी या फिर शॉल उसके अंदर छिपा के आप टांग दीजिएगा, जिससे कि अलमीरा में यदि आप टांग दोगे तो फिर किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी और ब्लाउज समझ के कोई ध्यान भी नहीं देने वाला है। और इस तरह से आप अपनी महंगी महंगी चीज़ें या फिर जो भी आप छिपाना चाहते हो बहुत ईजी से आप अपने वार्डरोब में छिपा के रख सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप्स पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है हमारा इस तरह से पुराने स्वेटर और वाइपर को लेकर। पुराने काफ़ी सारे हमारे स्वेटर होते हैं बच्चों के बड़ों के, जो कि हमारे घर में बेस्ट होते हैं, और हमें लगता है जब ये फट गए हैं तो हम ना तो इन्हें किन्हीं को दे सकते हैं या ना ही हमारे किसी काम आ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं छोटे स्वेटर का यूज बता रही हूँ, तो उसमें छोटे स्वेटर को आपको वाइपर में इस तरह से फंसाना है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के आप इस तरह से अपनी जो किचन काउंटर है ना इसके अलावा जो आपकी टाइल वगैरह लगे होते हैं ना किचन पे उन्हें बहुत ईजी से साफ कर सकते हो। कपड़े से ये टाइल वगैरह बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं, सारी गंदगी एकदम से निकल जाती है। इसके अलावा यदि बड़े स्वेटर हैं तो फिर आप बड़े वाले जो हमारा वाइपर है ना इसमें फंसा के इस तरह से आप फर्श पे बहुत अच्छे से पोछा लगा सकते हो, जिससे कि जो नॉर्मल पोछा हम लोग पोछा वाले कपड़े से लगाते हैं उससे इसमें इससे जल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जगह एक बार में कवर करता है, बूलन है तो पानी छोड़ता भी नहीं है, बहुत अच्छे से हमारा क्लीन हो जाता है। होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है अभी जो है ना वो सर्दियां हैं, तो सर्दियों में सब्जियां यदि हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, क्योंकि गैस जो है ना वो भी थोड़ी सी सिम ही जलती है और पानी भी है ना
वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो आज एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपकी सब्जी है ना वो जल्दी बन जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वूमेंस हैं हमारी जो कि ड्यूटी पे जाती हैं या फिर जिनके हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है सब्जियाँ बनाने में। तो आप क्या कीजिएगा, जब आप सब्जी काटने बैठे हैं उसी समय आप एक गैस पे पानी गर्म होने रख दीजिएगा, और जब आप सब्जी को छौंक के यानी सब्जी बनने के लिए रखें तो आप जो पानी है ना वो गर्म वाला यूज कीजिएगा, जिससे कि जो सब्जी है ना वो एकदम से बनना शुरू कर देगी और हमारी सब्जी टाइम से पहले बन जाएगी। जितना समय हमें नॉर्मल सब्जी में बनाने में लगता है ना उससे कम समय लगेगा, इस चीज़ की गारंटी है। और मैं ये मेथड कभी कभी जब मैं लेट हो जाती हूँ एक्चुअली मैं तब यूज करती हूँ। तो होपफुली आपको भी ये तरीका पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो फिर इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और इसके अलावा नेक्स्ट टिप है, हमारा अभी सर्दियां हैं जैसा कि आप लोगों को पता है, तो हम जब नॉर्मल बेलन से हम लोग रोटी बनाते हैं तो बेलन कितना भी सूखा हो लेकिन फिर भी अभी सर्दियां तो नमी कहीं ना कहीं इस तरह से बनी रहती है, जिससे कि जब भी हम लोग रोटी बेलते हैं तो रोटी हमारी जो बेलन है ना इसमें चिपक जाती है, यानी कि आटा बहुत ज़्यादा चिपकता है, रोटी जल्दी नहीं बिलती है, और उसके अलावा बेलन पे आटा लगा रहता है तो रोटी की जो शेप है ना वो भी बहुत अच्छी नहीं आती है। तो उसके लिए अब जब भी रोटी बनाए तो क्या कीजिएगा, बेलन को गैस के ऊपर थोड़ा इस तरह से घुमा घुमा के, आपको रखना नहीं है कंटिन्यूस, आपको घुमाना है और इस तरह से आप सेंक लीजिए, जिससे पानी जो है ना वो आपका बिल्कुल सूख जाएगा। और इसके बाद आपको डायरेक्ट जो बेलन है ना इसे इसी तरह से यूज नहीं करना है, बल्कि आपको थोड़ा सा सूखा आटा लेना है और इस बेलन पे लगा लेना है पूरे पे, और उसके बाद यदि आप रोटी बेलेंगे तो रोटी हमारी बहुत अच्छे से बिल जाती है, और उसके अलावा उसकी शेप भी अच्छी आती है, रोटी चिपकती भी नहीं है, और जो भी समस्या है हमारी रोटी से संबंधित सारी फिनिश हो जाती है। तो होपफुली ये हमारे टिप्स थे कुछ आज के, अगर पसंद आए हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।